ओम अज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगना रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखांबितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंच कल्प तरुवेश्या कृपा सिंधु वहेम च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhuji's and Mataji's. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Prabhuji, आज जो है बहुत ही auspicious day है। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, तो मैं ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन somehow ये दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए, खासकर हमारे सबके लिए, लेकिन मुझे बहुत ये दिन के साथ में अटैचमेंट है। This day is for a renunciation. आज का दिन जो है प्रभु हमको सबको एक ना एक दिन सब चीज छोड़ना है, हमको सब चीज छोड़ना है। I don't know whether you know it or not. एक बार जयद्वेत महाराज मेरे घर पे आए थे रहने के लिए, तब उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारे घर पे बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है, सब चीज हो रहा है, लेकिन तुम ये घर से बाहर निकलते जाओ। मैंने बोला महाराज इतना प्रचार हो रहा है, इतना पिचिंग होता है, आप मुझे बोलते हो निकल जाने के लिए। तो उन्होंने एक वाक्य मुझे बहुत बहुत सीरियसली बोला था और मैं हिल गया था वो वाक्य से। उन्होंने मुझे कहा था कि मृत्यु तुमको ये घर से खींच करके ये घर से बाहर निकाले, उससे पहले ही जो है तुम तैयारी करके खुद अपने बाहर अपने हाथ से निकल जाओ। दिस इज मैच्योरिटी, वरना जो है तुमको फरजियात ये घर से बाहर निकलना ही पड़ने वाला। उसी हिसाब से प्रभु दिस इज द डे ऑफ रिनाउंसिएशन। आज के दिन जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो है संन्यास लिया था, और आज जो है संभव प्रभु आज जो है भीष्म पितामह ने अपना देह छोड़ा था कृष्णा के सामने। कृष्णा कुरुक्षेत्र में सब लोग सब पांडव को लेकर के आए थे, और थोड़ी चर्चा हुई, और बाद में भीष्म पितामह ने आज के दिन कृष्णा पे अपनी दृष्टि बराबर फिक्स अप करके दे छोड़ दिया। प्रभु हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो आई वॉन्टेड टू स्पीक ऑन मृत्यु ओनली। मृत्यु बहुत भयानक है प्रभु, बहुत भयानक है। आज जो है मुझे, मैं तो ऐसा ही कहता हूं कि आज सबसे ज्यादा जो भी भक्त जो है कृष्ण भक्ति में आता है, उसको सबसे बड़ा टेंशन सिर्फ एक ही चीज का होना चाहिए, मेरा मृत्यु कैसा होगा, मेरा मृत्यु कैसा होगा। प्रभु इतना फटके खाने के बाद में, ये दुनिया देखने के बाद में, एक तो चीज समझ में आई जानी चाहिए, ये जगह हमारे लिए नहीं है, ये जगह नहीं है हमारे लिए। और जितना इधर अटैचमेंट रहोगे उतना और मार खाएगा। जब ये कन्विक्शन आने के बाद में जो है प्रभु एक ही डर लगता है, कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड है, इतना इतना जो है अनर्थ हैरान करता रहता है, और शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म इतना ऊपर है, महाप्रभु के हेतु की कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा मृत्यु बराबर हो जाएगा कि नहीं, कि वापस यही जन्म मृत्यु के छेड़े में घूमता ही रहूंगा। एनीवे आई विल नॉट बी स्पीकिंग ऑन दैट, मेरे को जाते हैं, आई डोंट वांट टू गेट डाइवर्टेड। मैं कभी अगर इफ यू वॉन्ट वी कैन स्पीक ऑन दैट डे नेक्स्ट टाइम, और वी कैन नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन वसंत पंचमी ऑल्सो, क्योंकि वसंत पंचमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिन है।
26 जनवरी के दिन, इसलिए तो हमने 64 आवर्स नहीं रखा उस दिन, क्योंकि इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे। पूरे साल में सबसे मैक्सिमम हैप्पीनेस डिसहैप्पीनेस डे हुआ है तो दैट इज ऑन वसंत पंचमी डे, और वी गो टू द टेम्पल ऑन दैट डे। सो प्रभु, दैट्स व्हाई आई कुडंट कीप इट ऑन दैट 64 आवर्स। आई रिक्वेस्टेड विपुल प्रभु, विपुल प्रभु बोला ठीक है हम आज के दिन रख लेते। नाउ प्रभु आई फेल्ट दैट लेट अस डिस्कस ऑन चैतन्य महाप्रभु। आज जो है उन्होंने संन्यास लिया है प्रभु जी, एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली महाप्रभु ने संन्यास जो है वो हमारे लिए लिया है। थोड़ा विचार करिए प्रभु, मैं तो हमेशा ये विचार करता हूँ, ये जूम वाला चीज जो है हम कहाँ कहाँ से बैठते हैं, और आज के दिन तो जो है प्रभु हम लोग सब लोग 64 आवर्स करने वाले हैं, अभी इतनी सर्दी में भी सब लोग साथ में आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से। और कितने लोग जो है मंडे टू फ्राइडे में देख रहा हूँ ऑलमोस्ट जूम के अंदर पौने 200 डिवोटीज आ जाते हैं, और यूट्यूब के अंदर 50 डिवोटी रह गए, 225 डिवोटीज के आसपास हम लोग रोज सोमवार सोमवार से शुक्रवार आते हैं, सैटरडे संडे तकरीबन 125 से 125 के बीच में होता है जूम में, और उधर जिधर ज्यादा हो जाता है 60 से 65 लोग वहां पे आ जाते हैं। प्रभु मैं विचार कर रहा था ये सब डिवोटीज जो है प्रभु हमको क्यों इंस्पिरेशन मिला है सुबह में जपा करने के लिए, मेन रीजन इज चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने लाइफ के अंदर संन्यास लेकर के प्रचार किया, और प्रचार का सिर्फ एक ही हेतु था, हार्ड कोर कंपैशन, हार्ड कोर करुणा। उनको समझ में आ गया हम सब रगड़ रहे हैं, हम सब दुखी हैं, और हमारे लिए सिर्फ एक ही आसरा है, और वो आसरा है हरि नाम का शेल्टर लेना, वैष्णव की सेवा करना, और एब्सोल्युटली कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर फोकस कर देना। That is the only solution. There is no other solution in this material world. और ये चीज जो है चैतन्य महाप्रभु ने देख लिया कि हम सब दुखी है, और ये दुख के लिए जो है ये दुखी होने के वजह से हम लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हम रगड़ते ही रहेंगे, तो ये दुख वो सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने अपना लाइफ पूरा सेक्रीफाइस कर दिया। अभी थोड़ा एक्सटर्नली देखो प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु को वहां पे नवद्वीप के अंदर रोज रोज एवरी डे श्रीवास अंगन के अंदर पूरी रात वो लोग कीर्तन करते थे, दरवाजा बंद करो ठंडी लगे जो है, रोज एवरी डे श्रीवास अंगन के घर श्रीवास के घर पे रोज रात को कीर्तन करते थे अपने सब मित्रगण या अपने अनुयायी के साथ में। इतना सुंदर उनका फ्रेंडशिप था, और इतना सुंदर उनका माहौल था, और इतना सुंदर एसोसिएशन उनको मिल रहा था, प्लस उनकी मदर प्रभु जी सच्ची माता प्रभु जी इतनी इतना जो है उनको इतना उनके प्रति प्रेम था, सच्ची माता वॉज रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर महाप्रभु। बहुत रेयर ऐसी माँ मिल सकती है, पर उनकी पत्नी विष्णुप्रिया शी वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, 16 साल की थी, और इट वॉज वेरी वेरी आइडियल हाउस होल्ड लाइफ, गृहस्थ लाइफ, इतना सुंदर गृहस्थ लाइफ, इतना सुंदर एसोसिएशन, रोज रात को कीर्तन करना, क्या जरूरत थी महाप्रभु को सब ये सब छोड़ करके हमारे लिए आने का। तो ओनली रीजन वॉज कंपैशन, ये लोग सब दुखी है, मैं खुश हूं लेकिन ये सब दुखी है, और उनका दुख मैं सह नहीं कर सकता, इनको हरि नाम देना है। और प्रभु महाप्रभु ने ये तपस्या किया ना, इसकी वजह से हम साथ में, अगर हमको महाप्रभु ने ये दिया नहीं होता तो हमको हरि नाम का क्या वैल्यू है वही समझ में नहीं आता, और अभी हमको थोड़ा समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमको वो माहौल मिल गया, और इसलिए हमको समझ में आ गया कि नहीं, देयर इज नथिंग हायर देन दिस। महाप्रभु ने ये संन्यास लिया है सिर्फ हमारे लिए, इतना सुंदर लाइफ के अंदर पूरा सेक्रीफाइस दिया है, वी नो इट, हमको पता है महाप्रभु ने इतना इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंपैशन और सेक्रीफाइस दिखाया है, लेकिन हम लोग जो है प्रभु जी ज्यादा ही महाप्रभु को ही फोकस करते रहते हैं, महाप्रभु ने हमारे लिए बहुत किया, महाप्रभु ने हमारे लिए बहुत किया, लेकिन थोड़ा डीप में जाओगे तो आपको समझ में आएगा महाप्रभु के साथ में ऐसे कितने अनुयायी है महाप्रभु के साथ में, जिन्होंने भी जो है इतना ही महाप्रभु के जैसा सेक्रीफाइस और कंपैशन दिखाने के लिए लाइफ में इतना सीरियस सेक्रीफाइस दिया है जिसकी हम चर्चा ही नहीं करते।
जिसका हम विचार भी नहीं करते, वो कोई कोई शास्त्र के चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, ऐसा कहां पर भी उनका उल्लेख नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना सीरियसली जो है सरेंडर किया है, इतना सीरियसली सेक्रीफाइस दिया है कि अगर प्रभु जी उनकी उनका उनका सेक्रीफाइस अगर आप देखेंगे ना प्रभु जी, तो विल बी शॉक, बाप रे क्या क्या ये व्यक्ति उन्हें सेक्रीफाइस लाइफ में दिया है और कहां पर भी एक्सपोज नहीं हुए, जस्ट बिकॉज महाप्रभु वॉन्टेडेड उनको हरिनाम प्रचार करना है। फ्रॉम अवर पार्ट वी विल ऑल्सो गिव दिस कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नॉट स्पीक टू एनीबडी। लेकिन एक चीज है, उनको अंदर से महाप्रभु की मर्सी इतनी मिल रही थी कि दे आर वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड वेरी वेरी नर्चर्ड फ्रॉम विद इन, एक्चुअली वी आर ब्लिसफुल। तो मुझे लगा कि आज हम महाप्रभु की चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मोर देन महाप्रभु, महाप्रभु विल बी मोर हैप्पी अगर हम वैसे अनुयायी की चर्चा करें जिन्होंने लाइफ के अंदर इतना सेक्रीफाइस दिया और जिसका नाम भी नहीं है कहां पर भी आगे। We will discuss them and we will really pray to the Lord कि आज मैं जब 64 माला करूंगा ना, तो मुझे ऐसे भक्तों को जैसा जिन्होंने पूरा जीवन दिया है और एक्सपोज भी नहीं हुए और पूरा फोकस करके कृष्ण कॉन्शियसनेस दे दिया, इतना जबरदस्त सेक्रीफाइस दिया है और उसकी वजह से उनकी कृष्ण कॉन्शियसनेस इतनी ब्लिसफुल और इतनी कमिटेड हुई है। So we'll discuss this all these great personalities, प्रभु। सात आठ पर्सनैलिटी मैंने निकाला है प्रभु जी, जो राधानाथ महाराज बोलते रहते। सो वो जो सात आठ पर्सनैलिटीज है, विल डिस्कस समथिंग, वी विल हैव सम टाइम प्रभु। अगर पांच एक मिनट लेट होगा तो प्लीज टॉलरेट मी, क्योंकि 12 बजे तक हमको जपा करना है, थोड़ा इधर उधर कर लेंगे। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग जो किसी का भी कोई विचार नहीं करता है, वो है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। ये तीनों लोग ने जो है प्रभु, जो हमारे 6 गोस्वामी में से 3 गोस्वामी है, और वो सब लोग की पत्नियां, देयर वाइव्स, उनकी तीनों पत्नी ने जो है पूरा लाइफ सेक्रीफाइस दिया है। दे वर वेरी चेस्ट माताजी, दे वर वेरी कमिटेड माताजी। लेकिन जब उन्होंने देखा महाप्रभु को उनका पति की सेवा की गरज है, तो दे डिड बिकम ए हिंड्रेंड प्रभु, उन्होंने सेक्रीफाइस दे दिया है। नाउ प्रभु जी एक चीज याद रखेगा प्रभु जी, ये सब माता जी बहुत चेस्ट, वेरी कमिटेड, वेरी कल्चर्ड माता जी थी। और एक हमेशा एक चेस्ट माता जी का एक जो है बहुत बड़ा क्वालिटी होती है कि दे कैनॉट सी देयर हस्बैंड स्ट्रगलिंग, दे कैनॉट सी देयर हस्बैंड सेक्रीफाइसिंग, दे कैनॉट सी हस्बैंड इन ए वेरी वेरी डूइंग लॉट्स ऑफ ऑस्टेरिटी। कोई भी माता जी अपनी वाइफ जो है अपने हस्बैंड को देख नहीं सकती है, लेकिन ये सब माता जी को सब मैसेज मिल रहा था। रूप गोस्वामी कितनी सरेंडर, कितना सेक्रीफाइस दे रहे थे अपनी लाइफ में, सनातन गोस्वामी दे रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी दे रहे थे, और ये सब माता जी अपने घर पे रह करके वो भी उतनी हाई स्टैंडर्ड का सेक्रीफाइस लाइफ लिया है। पर हाई स्टैंडर्ड का सेक्रीफाइसिंग लाइफ दिया है उन्होंने, और जितना उनको समझ में आता था उनका हस्बैंड इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो अपने घर पे बैठ करके वो सेक्रीफाइस दिखा रही थी। एंड द बेस्ट थिंग इज प्रभु, विच आई फेल्ट सो मच इंस्पायर्ड विद दिस माता जी, ये सब माता जी ने कभी भी कंप्लेंट नहीं किया है, नो कंप्लेंट। अगर महाप्रभु आपको हमारे हमको इस तरह से हमारे को सेवा करवानी है, वी आर रेडी टू डू इट। राधानाथ महाराज हमेशा, मैं हमेशा प्रश्न पूछता रहता था हमारा, तो महाराज ये सब माता जी से इतना सेक्रीफाइस दिया है, चैतन्य चरितामृत में इनका नाम ही नहीं आ रहा है, चैतन्य भागवत में नाम नहीं आ रहा है, क्यों? महाराज बहुत सुंदर बोलते थे, बिकॉज अभी व्हाट इज द रीजन वी डोंट नो, सो वी डोंट वांट टू स्पेकुलेट आल्सो। बट महाराज ने एक वाक्य दिया, मैं हिल गया उसके वजह से। उन्होंने बोला देखो, भी बड़ा टावर बनता है ना बिल्डिंग में, बड़ा टावर बनता है, वो टावर के नीचे जो है ना, उसको जो है वो टावर को स्ट्रेंथ देने के लिए, उसको फिल्थ के क्या बोलते हैं, वो उसका नींव जो बराबर फिक्स रखने के लिए
उसका बेस जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसको जमीन के नीचे एकदम घुट घुट खड़ करके उसको स्ट्रेंथ देने के लिए इतना बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो बिल्डिंग टिकने वाला है। अभी ये सब बेस के अंदर जिन लोगों ने स्ट्रेंथ दिखाई है, पिल्थ पिल्थ, हाँ विपुल अग्रवाल, ये इंटेलिजेंट आदमी का यही होता है, इससे तो पिल्थ, जो पिल्थ होता है ना प्रभु, वो पिल्थ दिखता नहीं है लेकिन उसके ऊपर ही वो बिल्डिंग खड़ा रहता है। प्रभु इस माता जी आर द पिल्थ ऑफ चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट, संकीर्तन मूवमेंट, वो दिखते नहीं है लेकिन उनके ऊपर ही पूरा टिका हुआ है। क्या सेक्रीफाइस है प्रभु, क्या सेक्रीफाइस है, और कोई कंप्लेन नहीं है, और उनका कहां पर भी नाम भी मेंशन नहीं हो रहा है। हैट्स ऑफ टू दिस माता जी प्रभु। हम खाली महाप्रभु को ही संन्यास देखते हैं, ये माता जी ने भी बेसिकली, टू बी वेरी फ्रैंक ना प्रभु, आई फील इट, उन्होंने भी संन्यास ही लिया है, जब उनका हस्बैंड चले गए तभी उन्होंने भी संन्यास लिया। उस समय के स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था प्रभु, उस समय का स्टैंडर्ड ऐसा था कि जब भी कोई भी माता जी का हस्बैंड संन्यास लेता है तो प्रभु वो माता जी जो है इज कंसिडर एज ए वीडो, उसको वीडो के हिसाब से देखा जाता है, उसको कोई भी फेस्टिवल, कोई भी फंक्शन, कहां पर भी ऑस्पिशियस चीज होती है तो वीडो को अलाउ नहीं किया जाता है, उसको इनवाइट नहीं किया जाता है, बिकॉज शी इज ए वीडो विदाउट द हस्बैंड। ये सब माता जी ने सहन किया है जस्ट टू प्लीज महाप्रभु। इट्स ऑफ टू दिस माता जी, इट्स ऑफ टू दिस माता जी प्रभु। महाप्रभु कॉन्शियसनेस देखते हैं, महाप्रभु एक्सटर्नल नहीं देखते कि माता जी है कि प्रभु जी है, इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सब माताजियों ने जो है प्रभु लाइफ दे दिया, और उसकी वजह से ऑल दो वो लोग को रिकग्निशन ऐसा कुछ मिला नहीं होगा लेकिन दे वेर वेरी ब्लिसफुल। वाई? बिकॉज प्रभु जी कोई भी व्यक्ति लाइफ के अंदर कंपैशन दिखाने के लिए अपने लाइफ का पूरा सेक्रीफाइस करते हैं, महाप्रभु उसको बहुत नर्चर करते हैं, महाप्रभु उनको अंदर ही अंदर इतना नरिशमेंट देते हैं कि दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन। Is what happened to this Mataji. So the first thing is, Mataji is of wife of Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami. Second, wife of Chaitanya Mahaprabhu, Vishnu Priya. Thoda bahut humko pata hai, lekin thoda bahut deep mein jayega to aapko samajh mein aayega kya sacrifice hai ye Mataji ka. Basically, we only discuss on Makar Sankranti, sannyas of Chaitanya Mahaprabhu. I always sometimes feel that it is not only sannyas of Mahaprabhu, it is a sannyas of Vishnu Priya also. Pura life de diya. Tabhi Vishnu Priya, jab Chaitanya Mahaprabhu ne sannyas liya tha, Vishnu Priya ki umr sirf 16 saal ki thi. Aur chhe Vishnu Priya jo hai Prabhu 90 saal tak ji hai. Yani almost 75 years, 74 years. उन्होंने विरह में जिंदगी निकाली है महाप्रभु के। महाप्रभु ने अपनी खुद की एक मूर्ति बनाई थी और उनको विष्णु प्रिया को गिफ्ट दिया था और बोला कि तुम इस पे मेडिटेट करके पूरी जिंदगी निकालना। प्रभु जी हमको पता है कि वो महाप्रभु के पूरा दिन का उनका शेड्यूल एक ही था, हरे कृष्ण मंत्र लेती थी। अभी सब पीपल से एक पूरा राउंड करने के बाद में एक चावल का दाना करता है, निकालती थी। कोई बोलता है एक एक महामंत्र के साथ में एक एक चावल का दाना निकाल, वी डोंट नो। और जितना जितना उसने हरि नाम लेकर के वो चावल का दाना साइड में किया, वो कुक करती थी, वो जो राइस बनाती थी और उसपे बाद में अगर कोई गेस्ट है तो उसको खिला देती थी और बचता था तो वो खाते प्रसाद लेती थी। दैट वाज अ डेली शेड्यूल, दैट वाज अ डेली शेड्यूल। महाप्रभु को चाहिए लोगों को कंपैशन दिखाने के लिए, उनको हरिनाम देने के लिए और उनकी लाइफ चेंज करने के लिए, आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस। ऐसा ऐसा बताया गया कि महाप्रभु जब संन्यास लिए थे तो संन्यास लेने के बाद में एक बार जो है नवदीप आए थे, और नवदीप जब आए थे तब जो है नवदीप के पास में, आई डोंट नो दैट प्लेस, वो वहां पे आए थे तो पूरा नवदीप, बिकॉज एवरीबडी अंडरस्टूड हु इज चैतन्य महाप्रभु, और सब सबको लगा था कि हमने महाप्रभु को बराबर ट्रीट नहीं किया उन्होंने, इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया और अभी वो प्रचार सब जगह पे कर रहे हैं। तो एवरीबडी वांटेड टू गो एंड आस्क फॉरगिवनेस टू महाप्रभु, तो सब लोग गए और उसमें ऐसा बताया गया वो पास्ता में
वो गंगा जी के अंदर जो है प्रभु जी इतनी भीड़ थी कि बोट नहीं मिल रहा था, ये वो सब स्विमिंग करके वहां पे चले गए थे। ऐसा बताया जाता है प्रभु जी उस समय पूरा नवद्वीप जो है प्रभु महाप्रभु को मिलने गया था, और पूरे नवद्वीप में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था कि जो नहीं गया था, दैट वाज विष्णुप्रिया। यानी इमेजिन प्रभु जी, ये माता जी की क्या फीलिंग होगी, पूरी दुनिया जा रही है उनका हस्बैंड को देखने के लिए, लेकिन वो नहीं जा सकती बिकॉज एक सिस्टम होती है प्रभु जी कि एक बार जो है संन्यास अपना हस्बैंड लेता है तो उसके सामने अपनी अपनी पत्नी जा नहीं सकती है। पूरी दुनिया गई प्रभु, बट विष्णु प्रिया वॉज स्टेइंग एट होम ओनली। दिस इज द सेक्रीफाइस एंड दिस इज द सरेंडर, ये सब माता जी ने किया है, हैट्स ऑफ टू दैट। प्रभु इनकी भक्ति बहुत ऊंची है, उनकी कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत ऊंचा है। स्त्री है तो क्या है, एटली महाप्रभु अपनी कॉन्शियसनेस देखते हैं प्रभु, और इस तरह से लाइफ 75 साल जीना इट्स नॉट ए जोक प्रभु, इट्स नॉट ए जोक। सेकंड एग्जाम्पल, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, 30 मिनट में मेरे को खत्म करना है। तो जो है सेकंड एग्जाम्पल वॉज विष्णुप्रिया। थर्ड एग्जाम्पल इज लोकनाथ गोस्वामी। अभी लोकनाथ गोस्वामी का क्या था प्रभु जी, लोकनाथ गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु वो लोग बचपन से घनिष्ठ मित्र थे, इतने घनिष्ठ मित्र थे कि महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी कैन नॉट टॉलरेट, कुछ भी महाप्रभु को कुछ भी होता तो वो गुस्से हो जाते थे, और महाप्रभु को समझ में आ गया था कि अगर मैं संन्यास लूंगा तो ये व्यक्ति जी नहीं पाएगा। इसलिए महाप्रभु ने उनको बोला कि तुम वृंदावन चले जाओ, मैं वृंदावन आने वाला हूं और आप मेरे लिए सब तैयारी करो। ऐसा करके उनको वृंदावन भेज दिया लोकनाथ गोस्वामी को। अभी लोकनाथ गोस्वामी अपने फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप है चैतन्य महाप्रभु की, ही कुड नॉट सर्वाइव विदाउट महाप्रभु, लेकिन महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया वो वृंदावन चले गए। थोड़े समय के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, संन्यास लेने के बाद में वो वृंदावन नहीं गए, उनको जाना था वृंदावन, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको ट्रिक लगा करके उनको नवद्वीप लेके आया, फिर नवद्वीप से उनको जगन्नाथपुरी चले गए। अभी लोकनाथ गोस्वामी को सब पता चला कि महाप्रभु ने बोला था कि वृंदावन आने वाला है, लेकिन वो तो जगन्नाथपुरी चले गए। तो लोकनाथ गोस्वामी बोला कि मेरे को वृंदावन से क्या लेना देना है, मेरे को महाप्रभु की मर्सी चाहिए और महाप्रभु की सेवा करनी है। तो वो जो है वृंदावन से जगन्नाथपुरी पहुंच गए, चलते चलते, इट वॉज दैट, उस समय ट्रेन बस ऐसा कुछ नहीं था, प्रभु चलते चलते वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए। और जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे तो जगन्नाथपुरी में समझ में आया कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, लेकिन अभी वो साउथ में, पूरा साउथ की यात्रा में गए हैं। तो वो जगन्नाथपुरी से जो है प्रभु ने बोला मेरा इधर रहने का भी, जगन्नाथपुरी में भी रहने का मतलब क्या है, वो वापिस साउथ में गए, जहां जहां धीरे धीरे जगह से जाते जाते थे महाप्रभु को ढूंढते ढूंढने के लिए, और महाप्रभु पूरा साउथ घूम करके जगन्नाथपुरी पहुंचे। तो उनको पता चला ये साउथ में मैं घूम रहा हूं, लेकिन महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वापिस वो पूरा साउथ घूम 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 करके वापिस जगन्नाथपुरी पहुंचे। तो जगन्नाथपुरी पहुंचने के बाद में उनको समझ में आ गया कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस आए, थोड़े समय रहे, और अभी वो वृंदावन चले गए। उनकी वृंदावन में सेवा थी महाप्रभु को रिसीव करने के लिए। वहां से दूसरे दिन जगन्नाथपुरी से भागे वो वृंदावन जाने के लिए। उस समय जो है प्रभु एवरीथिंग वॉज बाई वॉकिंग, देयर वॉज नो सिस्टम लाइक कुछ भी ट्रेन या इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी सिस्टम नहीं था। वो सीधे वहां से जगन्नाथपुरी से वापस वृंदावन पहुंचते थे। जैसे वो वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में उनको पता चला महाप्रभु यहाँ पे रहे बहुत अच्छी तरह से, 1 महीना ऐसा कुछ रहे, 1 या 2 महीना रहे, सब जगह पे उन्होंने सब जगह लीला किया। और अभी महाप्रभु जो है वृंदावन से निकल करके इलाहाबाद त्रिवेणी संगम गए दूसरे दिन। अभी देखो ये प्रभु जी लोकनाथ गोस्वामी ने ऑलमोस्ट पूरा भारत चल लिया है, पूरा भारत घूमे हैं, और पूरा भारत घूमने के बाद में जो है वो दूसरे दिन सुबह में वापिस बोले कभी मैं त्रिवेणी संगम, मेरा रहने का मतलब ही क्या है वृंदावन। और रात को महाप्रभु उनको सपने में आया और बोला कि लोकनाथ गोस्वामी तुमको वहां से निकलना नहीं है, तुम वहीं पे रहो। फिर थोड़े समय में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आएंगे, आप उनके साथ में जिंदगी निकालो। नाउ
ये व्यक्ति ने इतना सरेंडर किया था कि बिकॉज महाप्रभु टोल्ड हिम तुमको नहीं निकलना है, वो वृंदावन में ही रहे हैं। और जो इतने महाप्रभु के घनिष्ठ मित्र थे, इतने फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप थी, लेकिन उन्होंने महाप्रभु को पूरे लाइफ लॉन्ग मिले ही नहीं है फिजिकली। फिजिकली लोकनाथ गोस्वामी मिले ही नहीं है महाप्रभु को। बेसिकली दिस इज व्हाट समटाइम्स वी फील एट इट। महाप्रभु को जो है ना लोकनाथ गोस्वामी को मिलना नहीं था, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी कुड नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब महाप्रभु इन अ संन्यास। उन्होंने फ्रेंडशिप, अपनी बचपन की फ्रेंडशिप बहुत अलग से देखा था उनको, बट जस्ट टू प्लीज महाप्रभु वो कहां पर भी रिटेलिएट नहीं किया और वापस वृंदावन में रहे। घूम करके, पूरी भारत घूम करके आया, लेकिन महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला है फिर भी, बिकॉज महाप्रभु डजंट वांट वो वृंदावन में रहे, क्योंकि उन्होंने इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ सरेंडर किया है प्रभु। महाप्रभु बिकेम सो प्लीज विथ हिम। उनका जो डिसाइपल है नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर जो है प्रभु, उनको इतना, उनको ये व्यक्ति की जो है इतनी शुद्ध भक्ति थी, उसका पूरा एवरीथिंग नरोत्तम दास ठाकुर को मिला है। और दैट्स व्हाई वी आर हैविंग सो मच आज नरोत्तम दास ठाकुर के भजन, नरोत्तम दास ठाकुर के प्रचार, ये सब चीज, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लोकनाथ गोस्वामी स्पिरिचुअल मास्टर, उनकी कृपा मिली है। दिस इज लोकनाथ गोस्वामी कंप्लीटली सरेंडरिंग एवरीथिंग। आई थिंक फोर्थ एग्जाम्पल इज तपन मिश्रा। तपन मिश्रा जो है प्रभु, बहुत इंक्विजिटिव व्यक्ति थे, वो हमेशा चेक करते थे कि मुझे मेरा लाइफ का गोल क्या है, मुझे क्या कृष्णा, मुझे क्या करना चाहिए यह भौतिक दुनिया में, और कितनी पुस्तकें पढ़ी है, कितने लोगों को मिले हैं, और हमेशा हैंकरिंग करते थे। उस समय महाप्रभु जो है नवद्वीप से गया गए थे अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, और जब पिताजी का श्राद्ध करने के, उस समय रात को तपन मिश्र के नींद में कृष्णा ने उनको सपने में बताया कि ये जो व्यक्ति जो है ना, तुमको जो है ना जो चीज चाहिए ना, ये कृष्णा हिमसेल्फ इस चैतन्य महाप्रभु, आप उसके पास जाकर के उसका शरण ले लो। सीधा वहां से भागे हैं, और महाप्रभु को गया में थे तो वहां पे उनको ड्रिंक का मिल्क मिले, और मिलने के बाद में उन्होंने बोला कि मुझे सपना आया है, ये सही है कि नहीं। महाप्रभु ने, महाप्रभु एक्सेप्टेड इट और फिर बात उन्होंने बोला कि मुझे बताइए जिंदगी का ध्येय क्या है और किस तरह से उसको प्राप्त करना चाहिए। तो महाप्रभु ने बोला जिंदगी का ध्येय है कृष्णा प्रेम, एंड द प्रोसेस इज टू इंटेंसली चांट द होली नेम, सर्व द डिवोटीज एंड हेल्प द ह्यूमैनिटी। फिर ये उनको इतना क्लैरिटी मिलने के बाद में तपन मिश्रा ने बोल दिया अभी बस खत्म, मुझे आप मिल गए हो, पूरी लाइफ अभी आपके पीछे ही रहूंगा, मैं किधर भी कुछ भी नहीं करने वाला हूं, मैं आपके पीछे हूं, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू नाउ। उस समय तपन मिश्रा को जो है महाप्रभु ने बोला मेरी इच्छा है कि आप वाराणसी चले जाओ। अभी थोड़ा विचार करो प्रभु जी, क्या ये व्यक्ति का सरेंडर है। उन्होंने महाप्रभु ने जो है प्रभु गया के जाने के बाद में जब नवद्वीप पहुंचे, तब वहां फिर बाद में उन्होंने ये हर रात को श्रीवास अंगन के अंदर पूरी रात जो है वो लोग कीर्तन करते थे। तपन मिश्र जो है प्रभु वो सो ईगर टू सी ऑल दिस थिंग्स, पर तपन मिश्र को ये कोई चीज मिली नहीं, क्योंकि महाप्रभु को ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था वाराणसी के अंदर कि जब भी वो वहां पे आए तब वो एक पूरा प्लेटफॉर्म बना देवे उनको कि वहां पे सब मायावादी, तो वाराणसी में जित वॉज इट वॉज इन हाउस ऑफ मायावाद पीपल, मायावाद सन्यासी और सब वहां पे लोग ज्यादा करके मायावाद थे, तो उनको जो है प्रचार करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और वो प्लेटफॉर्म की वजह से, वो प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रभु जी महाप्रभु को तपन मिश्रा वहां पे चाहिए था कि जो पूरा प्लेटफॉर्म बना देवे थे, जब भी वो वाराणसी आवे तो सब ये सन्यासी जो मायावाद सन्यासी को जो है प्रचार करे, और हजारों की क्वांटिटी के अंदर ये सब सन्यासी मायावाद सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती के साथ में सब लोग भक्त बने हुए। महाप्रभु वांटेड दैट, उन्होंने तपन मिश्रा का जो है उनकी सेवा ले लिया है। तपन मिश्रा वाराणसी में रहे पूरे मायावादी लोगों के साथ में, उनको महाप्रभु का संग नहीं मिला है, लेकिन पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ में सेवा किया। तो व्हाट वाज द रिजल्ट, द रिजल्ट इज उनका जो लड़का जो है
रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इज वन ऑफ द सिक्स गोस्वामीज जी। दिस इज द रिजल्ट। गुड फ्रूट कम्स फ्रॉम गुड ट्री। दिस इज व्हाट हैपेंड इन तपन मिश्र। प्रभु जी 10 मिनट लेट हो जाएगा आज। आई हैव वांटेड टू स्पीक। आई होप यू पीपल ऑल ऑफ देम टॉलरेट मी। 5:45 हो गया। फिफ्थ फोर्थ और सिक्स्थ एग्जांपल व्हाटएवर इट इज। फिफ्थ एग्जांपल आई थिंक छोटा हरिदास। प्रभु ये सब लोगों ने इतना सरेंडर किया है प्रभु, उनको अब चर्चा ही नहीं करते। जिस तरह से ये जो है ना महाप्रभु ने संन्यास लिया है प्रभु 8 के दिन, इन लोगों ने भी संन्यास के जैसा ही लाइफ जिया है जस्ट टू प्लीज महाप्रभु। फिफ्थ छोटा हरिदास। महाप्रभु को एक स्टैंडर्ड बराबर फिक्स करना था, और वो फिक्स ये करना था महाप्रभु को जो रेनाउंस ऑर्डर के अंदर जो व्यक्ति है उसको अपना लाइफ का स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स इतना टॉप मोस्ट होना चाहिए कि वहां पे कहां पर भी थोड़ा भी डाउट नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई भी सफेद कपड़ा पहनता है तो सफेद कपड़े के अंदर एक भी दाग आता है ना, तो एक दाग जो है पूरा सफेद कपड़े का जो है ना वो इंप्रेशन बिगाड़ देता है। उसी हिसाब से रेनाउंस ऑर्डर में जो व्यक्ति होता है उसका लाइफ एकदम क्लीन होना चाहिए, और वो क्लीन लाइफ का एग्जाम्पल बताने के लिए उन्होंने छोटा हरिदास का एग्जाम्पल लिया। छोटा हरिदास वॉज ए वेरी वेरी क्लीन पर्सन, लेकिन एक ऐसा पास्टर बनाया गया है प्रभु कि जो है इट वॉज बेसिकली महाप्रभु से इंटेंशन। छोटा हरिदास जो है एक माता जी जो है उनके पास से राइस लेने जाते हैं, क्योंकि जो है उनको महाप्रभु के लिए कुक करना था राइस उनके घर पे, उनके वहां पे जो है प्रसाद लेने आने वाले थे उनके आश्रम उनके की कुटिया में। और जैसे वो महाप्रभु वो माता जी को मिलने गए, वो छोटे हरिदास मिलने गए हैं माता जी को राइस लेने के लिए, somehow ऐसा बताया गया है माता जी वॉज नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड, और इंटेंशनली उनकी दृष्टि वो माता जी के माता जी पे गिर गई। प्रभु महाप्रभु कुड अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। इट महाप्रभु डिसाइडेड इट कि नो दिस पर्सन कैन नॉट बी ए ब्रह्मचारी, महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट कर लिया। मैं हमेशा विचार करता हूं अरे बाप रे क्या ये स्टैंडर्ड है, क्या ये हाई स्टैंडर्ड है। यहाँ पे तो सब जगह बम्बई में आई डोंट नो बट दूसरी जगह पे मुंबई में तो ये सब चीज नॉर्मल है। कितनी माता जी इसको इस तरह से देखते हैं। क्या ये स्टैंडर्ड ऊंचा बनाया महाप्रभु ने जस्ट टू हैव ए हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ रिनाउंसिएशन। महाप्रभु ने छोटे हरिदास को रिजेक्ट किया है, और छोटे हरिदास 1 साल तक महाप्रभु से याचना करते रहते थे दूसरे दूसरे गुरु डिवोटीज के थ्रू कि महाप्रभु मुझे स्वीकार करो। महाप्रभु वॉज 1 के 2 नहीं हुए, फाइनली छोटे हरिदास डिड सुसाइड गोइंग टू त्रिवेणी संगम। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज प्रभु जी छोटे हरिदास वॉज अ वेरी क्लीन पर्सन। इट वॉज अ वेरी क्लीन पर्सन। वो जब महाप्रभु जो है ना जब शाम के टाइम पे बीच पे बैठ करके कृष्णा को याद करते थे, तब उस समय कितने भक्तों ने देखा है छोटे हरिदास जो है एक गंधर्व के रूप में आकर के महाप्रभु को सुंदर सुंदर भजन सुनाया करते थे, और महाप्रभु एकाग्रता से वो सुनते थे। जब भक्तों ने ये देखा तब सबको समझ में आ गया छोटे हरिदास का क्या स्टैंडर्ड है। जस्ट टू हैव दैट हाई स्टैंडर्ड ऑफ रेनाउंसिएशन, उसके लिए छोटे हरिदास से बोला महाप्रभु आपको मुझे एग्जाम्पल बनाना है। आई एम रेडी टू गिव माई लाइफ फॉर दैट। प्रभु क्या ये परंपरा है, देखो क्या ये परंपरा है। एक बार मैं राधा नाथ महाराज के साथ में इनके रूम में बैठा था, और रूम में बैठा था तो जो है मैं आपको अगर नहीं पता होगा राधा नाथ महाराज ने जो है ना अपने रूम के अंदर जो है ना पीछे साइड में सब इज वेरी अटैच टू वृंदावन, तो हमारे सातों सात मंदिर का सब फोटोज जो है मेन मंदिर का है वो फोटोज लगा है, और उनके उनके सामने जो है ना हमारे सब आचार्य का फोटो है, शेख गोस्वामी का फोटो है। वो तो मुझे हाथ पकड़ करके बताता है कि कैन यू सी ऑल ऑल आवर आचार्य। यस महाराज व्हाट डू यू फील आउट ऑफ इट।
महाराज दे आर ऑल ग्रेट सोल्स, मैं तो क्या, मेरे को क्या अक्कल थी। महाराज ने मुझे एक वाक्य बोला, इनका स्टैंडर्ड इज सो हाई, इन्होंने इतना हाई स्टैंडर्ड अपने जीवन में बताया है कि हम जो है ना कभी भी प्राउड हमको होने वाला ही नहीं है अगर हमने सीरियसली इनका स्टैंडर्ड देखा तो। इतना हाई स्टैंडर्ड बना करके रखा है। देखो आप ये जब पात्र देखो क्या क्या लाइफ में दिखाया उन्होंने। फाइनली सिक्स्थ पॉइंट, सेवेंथ सेवेंथ कैरेक्टर, सिक्स्थ और सेवेंथ कैरेक्टर, नित्यानंद प्रभु। प्रभु नित्यानंद प्रभु अगर आप देखेंगे ना, बेसिकली 14 साल की उम्र में एक चक्र से वो ब्राह्मण आकर के उनको लेके गया। 20 साल तक नित्यानंद प्रभु खाली घूमे हैं भारत में। और नित्यानंद प्रभु का दूसरा नाम है अवधूत। अवधूत का मतलब क्या है, हर एक जगह पे घूमता रहता है, सेवा करेगा, इज इन हिज ओन वर्ल्ड। अभी नित्यानंद प्रभु को जब पता चला कि नवद्वीप के अंदर महाप्रभु ने जो है अपनी संकीर्तन मूवमेंट चालू किया है, तभी वो नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आए हुए हैं वृंदावन छोड़ करके। और उनका मेन मकसद सिर्फ एक ही था, महाप्रभु को संकीर्तन मूवमेंट के अंदर उनको सपोर्ट करना। और नित्यानंद प्रभु को एकदम क्लियर था, जिधर भी महाप्रभु जाए, जिधर भी महाप्रभु जाएंगे वो वहां पे उनके साथ में जाएंगे और उनके हाथ को उनके उनके साथ में प्रचार करेंगे और हरिनाम बांटेंगे। महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम और हरिदास ठाकुर जो है प्रचार करो, और प्रचार करने जाते थे वे जस्ट ऑन द फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ महाप्रभु। और उनका कंपैशन इतना ऊंचा था हरिनाम देने के लिए, उनको जगाए मधाई जैसे व्यक्ति को भी जो उन्होंने भक्त बनाया। अभी प्रभु नित्यानंद प्रभु वाज सो मच हाई स्टैंडर्ड, ही वाज कंसीडर्ड एज अ अवधूत। और उनका लाइफ में सिर्फ एक ही फोकस था, आई जस्ट वांटेड टू सर्व महाप्रभु। और फिर महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के बाद में जो है उनकी एक लिमिटेशन होती है, सन्यासी कैन नॉट गो टू सम प्लेसेस बिकॉज वो उनका एक, एक, एक आश्रम अलग ही है। और महाप्रभु को देखना था कि कोई भी व्यक्ति उनकी मर्सी से बाहर ना निकल जाए, हर एक व्यक्ति को जो है हरिनाम देना है। और बहुत ऐसी जगह है जहां पे वो नहीं जा सकते थे। तब नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया है, तुम गृहस्थ जीवन में एंट्री लो, शादी करो, तुम गृहस्थ जीवन में एंट्री लो। और गृहस्थ जीवन में होने के बाद उसके वजह से क्या होगा, तुम कहां पर भी जा सकोगे, और ऐसी जगह पे जाओ जहां पे मैं नहीं जा सकता हूं, जिससे हर एक व्यक्ति को हरि नाम का आश्रय मिले। कैन यू इमेजिन प्रभु जी क्या स्टैंडर्ड है नित्यानंद प्रभु का। जो व्यक्ति पूरा अवधूत है, जिन्होंने कभी भी विचार भी नहीं किया कि मेरे को हाउस होल्ड लाइफ में जीना है, जस्ट टू प्लीज महाप्रभु, उन्होंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर ली जस्ट टू प्लीज महाप्रभु। वी गॉट मैरिड टू वसुधा एंड वसुधा एंड जानुआ। दिस इज महाप्रभु के लिए क्या लोगों ने सरेंडर किया है। एंड फाइनली आई वुड गिव वन फाइनल एग्जांपल इज ऑफ हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर प्रभु महाप्रभु को एक प्रिंसिपल बहुत सीरियसली एस्टैब्लिश करना था कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कास्ट में से आया है, कोई भी उसकी लाइफस्टाइल पहले की हुआ है, लेकिन अगर वो व्यक्ति ने हरिनाम जो है सीरियसली लिया है, उसकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा 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 परिवर्तन आ जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी उसका बैकग्राउंड हो। इसलिए महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को चुना। हरिदास ठाकुर बेसिकली वो मुस्लिम परिवार से आते थे, ही वॉज अ लॉर्ड ब्रह्मा, वो ब्रह्मा जी थे। हरिदास ठाकुर वो सब मुस्लिम परिवार से आते थे, लेकिन उनको हरिनाम का टेस्ट इतना था कि रोज 192 राउंड्स करते थे। और बीइंग ए मुस्लिम और वो हरे कृष्ण महामंत्र करते थे, तो उनको इतना ऑपोजिशन आया है प्रभु जी, कितना संघर्ष किया है हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर के ऊपर 22 जगह 22 मार्केट प्लेस के अंदर उनको पीटा गया। उनको डिफेम करने के लिए जो है रामचंद्र खान ने जो है प्रोस्टिट्यूट भेजा है, कहां कहां कितनी उनको एक कोई भी एक चर्चा के अंदर जो है उनको वहां पे इतना बहुत खराब से इंसल्ट किया गया है। प्रभु जी इतना होने के बावजूद हरिदास ठाकुर टस के मस नहीं हुआ, क्योंकि उनको हरिनाम का टेस्ट इतना ऊंचा था। महाप्रभु को यह प्रिंसिपल एस्टैब्लिश कर रहा था कि आप कोई भी कास्ट में से आएंगे, कोई भी क्रीड में से आएंगे, कुछ भी आपका बैकग्राउंड होगा, लेकिन आपने हरिनाम एकदम सीरियसली लिया है,
तो आपको जो है बहुत बड़ी ऊंची स्थिति बहुत कम समय में मिल जाएगी। और महाप्रभु को हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल देना था, देखो ये व्यक्ति मुस्लिम परिवार से आने के बावजूद भी उनको महाप्रभु ने पदवी दिया है नाम आचार्य। प्रभु जी कलयुग के अंदर, कलयुग के अंदर दिस इज द हाईएस्ट पोजिशन, दिस इज द हाईएस्ट पोजिशन। हमको पता है हरि नाम के सिवा हमारे लिए कोई आस्था नहीं है, और हरि नाम का कौन आचार्य है, क्योंकि दैट इज हरिदास ठाकुर। लेकिन उसके पहले ये व्यक्ति ने भी पूरा लाइफ दे दिया महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए, पूरा लाइफ दे दिया। प्रभु जी यू हैव टू लर्न वेरी सीरियस थिंग्स टुडे, कि आज जब हम अपना 64 माला करेंगे ना, तो हम 64 माला करते वक्त हुए कि महाप्रभु ये सब कैरेक्टर इतने ऊंचे स्टैंडर्ड के हैं, देख मुझे भी कुछ करना है, ऑल्सो वॉन्ट टू डू सम कॉन्ट्रीब्यूशन, मुझे भी ये मूवमेंट के अंदर ऐसा कुछ करना है कि वहां पे मैं भी कुछ, महाप्रभु के सामने जब जाऊंगा तब मैं कह सकूं कि मैंने भले कुछ ना कि 0.00001% भी मेरा कुछ तो कुछ मैं भी कुछ करके जा रहा हूं, जाना चाहता हूं, एंड विदाउट कंप्लेनिंग, सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग। प्रभु जब ये कॉन्सियसनेस रहेगी ना, ऑटोमेटिक, हाँ प्रभु जी ऑटोमेटिक यू विल बी सो मच ब्लिसफुल फ्रॉम विदिन। कृष्ण कॉन्सियसनेस का प्रिंसिपल बहुत क्लियर है, मोर यू गिव टू समबडी मोर यू गेट इट इनसाइड, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कृष्ण कॉन्सियसनेस। जितना देने की कोशिश करोगे ना उससे उससे ज्यादा तुमको आनंद आएगा, क्यों, बिकॉज कृष्ण बिकम सो प्लीज विद यू। ये सब कैरेक्टर जो है ना इतने ऊंचे कैरेक्टर है प्रभु, उसमें से आज हम सीख लिए हुए, हम हमको भी कुछ करना है, वी ऑल्सो वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर महाप्रभु। और बहुत रियालिटी है प्रभु जी, थोड़ा प्रैक्टिकल जाएंगे तो हमको समझ में आएगा मुझे कितना फायदा आ रहा है। प्रभु जी कैन यू इमेजिन हाउ मच वी आर ब्लिसफुल इन चांटिंग द होली नेम, कितना आनंद आ रहा है। क्यों आएगा इतना जल्दी इतनी सर्दी में, क्यों रगड़ेगी इतना, क्या जरूरत है इधर आने का इतनी सर्दी में। मुंबई में सर्दी यानी मैं समझ जाता हूँ पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सर्दी होगी, मुंबई में भी सर्दी है, फिर भी हम लोग आते हैं और आज 6 साढ़े 6 घंटा जपा करेंगे। बाय, बिकॉज हमको समझ में आ गया इसके बाद कोई आसरा नहीं है, तो हमको भी लगता है दूसरे सब दुखी है, सब दुखी है, क्यों ना मैं कुछ दू उसके लिए, मैं कुछ करूं। और आप देखना प्रभु जी, जब भी आप कुछ भी सेवा करोगे, सेल्फलेसली सेवा करोगे ना, तो वो व्यक्ति को तो फायदा होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा फायदा आपको होता है। क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज कृष्ण बिकम सो प्लीज विथ यू। तो आज जो है ना प्रभु, महाप्रभु ने संन्यास लिया है, डेफिनेटली ये सब महान महान कैरेक्टर लोगों ने क्या सैक्रिफाइस दिया, दे हैव ऑल्सो इनडायरेक्टली उन्होंने भी संन्यास के जैसा ही लाइफ जिया है। वी कैन डू समथिंग टूडे इज यू ऑल्सो ट्राई टू डू समथिंग सेक्रीफाइसिंग अवर पर्सनल इंटरेस्ट एंड वॉन्ट टू हेल्प महाप्रभु। This is the best way to please Mahaprabhu. This is the best way. So, Prabhu, आज जब हम 64 माला करेंगे ना, we'll keep this consciousness के महाप्रभु मुझे भी आपकी सेवा में लगा दो, I'm ready. देखो मेरा कितना स्टैंडर्ड है, वो आप ही को समझ में आएगा, आप मुझे लगा दो, मुझे करना है अभी। मुझे जो आनंद मिला है ना, वो मुझे आपके इंस्ट्रक्शन के थ्रू आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव टू somebody. Let they can also be happy. मुझे उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बना दो। And we can pray to Bhishma Pitamah also today. ये कैसी इच्छा है? मेरा मृत्यु अच्छा हो गया। मेरा मृत्यु, प्रभु जी बहुत डर लगता है, to be very frank, बहुत डर लगता है, मरूंगा कैसे मैं? ऐसा तो ना हो जाए कि खराब कॉन्शियसनेस हो और मेरा मृत्यु आ जाए, तो वापिस इधर आना पड़े। So, Prabhu, we'll pray for this both the things together and have a very, very serious chanting today. Aaj bahut bada important din hai, Prabhu. Let us focus a nice chanting the holy name. Sardi hai, abhi aaj chutti bhi hai na, Raivar ka din bhi hai. I will chant very nicely, Prabhu ji. And we'll have a very serious focus in our Krishna consciousness. Thank you very, very much, Prabhu ji. Aur mere liye prarthna karna. Mera humble request hai, Prabhu.
मेरे लिए प्रार्थना करना, बहुत कम साल बचे हैं मेरे लिए तो, आई एम 60 नाउ, कितने साल जीऊंगा पता नहीं है, लेकिन प्रे फॉर मी, आई कैन डू समथिंग फॉर महाप्रभु, एट द सेम टाइम आई गेट द नेक्टर ऑफ चैंटिंग द होली नेम। सो तो जब अंदर नहीं आएगा तब तक वो बाहर का, बाहर हम क्या प्रचार कर सकते हैं, प्योरिटी इज द फोर्स प्रभु, जब तक अंदर हमको टेस्ट नहीं आया तब दूसरे को क्या बता सकेंगे। So we also get the taste and we can give to somebody. And by giving, we get more. Understanding that, we'll chant the holy name. Prabhu, sorry, पौने घंटा हो गया है, मुझे माफ करना, 15 मिनट मैंने ज्यादा लिया है, प्लीज माफ करना, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छी होनी चाहिए अभी 64 माला करने के लिए। अभी हम जो भी विपुल प्रभु ने रूल बनाया है, we will be chanting for 6 hours now. जिन्होंने जल्दी चालू किया होगा वो उनका सॉफ्टवेयर बता देगा 6 घंटा, अभी जो मेरे जैसा है जो अभी चालू कर रहा है, प्रभु जी विल बी चैंटिंग फॉर 6 आवर्स, आधा घंटा, अभी पौना घंटा गया है, तो 6 आवर्स 45 मिनट आपको बैठना पड़ेगा, माफ करिएगा प्रभु, 15 मिनट आपका ज्यादा ले लिया, बट वी ऑल ऑफ देम व्होएवर हैज कम हैव टू टोटली बी देयर इन दिस सेशन फॉर 6 आवर्स एंड 45 मिनट्स, जिससे जो है हम हमारा 64 राउंड्स आज खत्म करें। थैंक यू वेरी वेरी मच। वंश कल्प तरुवश्य कृपा सिंधु वह वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि।